आज सुबह से पढ़ाई कर रही थी मैथ की, क्योंकि कल है मैथ का एग्जाम। बस उसको लग रहा है मेरे को बर्थडे जैसी फीलिंग ही नहीं आ रही कि मेरी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काशी। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी पापा ने मुझे कौन से गिफ्ट्स दिए हैं इस साल मेरी बर्थडे पे। और नहीं, आज तो बर्थडे गर्ल की बर्थडे है। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। मैं खा रही थी मीठा, पता है प्रशांत कल लेकर आए थे, चंद्रकला बोलते हैं इसको, पता नहीं इसका पर्टिकुलर कुछ नाम होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप बता देना कमेंट सेक्शन में। और ये मीठा मुझे बहुत पसंद है, वैसे ओवरऑल मुझे बंगाली मिठाई ही पसंद है। और मफिन नीचे ताक लगाए बैठा हुआ है कि इनके हाथ से कुछ गिरे और वो मुझे मिल जाए। और मैं मीठा आपको क्यों खिला रही हूँ आज, आप बताओ पहले। चलो, याद आया आज कशिश का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डियर कशिश। मैंने तो कल रात में ही विश कर दिया था और प्रशांत ने भी विश कर दिया, खूब सारी विशेज इसको ऑलरेडी आ चुकी हैं, सुबह से फ़ोन आ चुके हैं सारे फ्रेंड्स के और रिलेटिव्स के, सबसे बात हो गई। तो ये लीजिए आप सबके लिए मीठा कशिश के बर्थडे की खुशी में। और कशिश से मिलवाती हूँ आप लोगों को, अभी मिलवाती हूँ, दो मिनट दीजिए। तो ये रही कशिश, कैसी हो? अच्छा। उदास क्यों हो? उदास नहीं। आज सुबह से पढ़ाई कर रही थी मैथ की, क्योंकि कल है मैथ का एग्जाम, तो बस उसको लग रहा है मेरे को बर्थडे जैसी फीलिंग नहीं आ रही कि मेरी आज बर्थडे है, क्योंकि सुबह तो पहले पेपर दिया फिर तैयारी करने बैठ गई मैथ की, और अभी थोड़ा सा फ्री हुई है, 6 o'clock हो रहा है अभी, तो मैंने कहा अपनी कम से कम बर्थडे की वाली ड्रेस ही पहन लो जो मैंने तुम्हें बर्थडे के लिए दिलाई थी। दिखाओ अपनी ड्रेस तो दिखाओ कशिश। ओके गाइस, जैसे कि रीमा ने आप लोगों को बताया कि आज कशिश की बर्थडे है और मैं उसके लिए केक लेके आया हूँ, तो उसने अपनी फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर का केक मंगाया है, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ और उसके बाद थोड़ी सी मिठाई लूँगा। दिखाता हूँ मैं आपको क्या 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 ऑप्शंस हैं अवेलेबल, तब तक आप लोग देखो घर पर क्या हो रहा है। तो ये है कशिश की बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी ड्रेस जो उसने मॉर्निंग टाइम में पहनने के लिए ली थी, लेकिन इवनिंग में पहन लो क्या बात है उसमें, तो इवनिंग में भी ये बहुत प्यारी सी लग रही है। और ये नेकलेस भी कशिश ने मंगवाया था अपने ड्रेस के लिए, और ये ड्रेस है इसकी, क्यूट ड्रेस है कशिश। हाँ। क्यूट है, काफ़ी क्यूट ड्रेस है। बाकी भी मम्मी ने कपड़े मंगाए थे तो वो भी है मेरे पास, वो अभी दिखा देना। हाँ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, पूरा एक हॉल वीडियो दे दूंगी अपने सारे जितनी भी चीजें मुझे मिली हैं बर्थडे पे। क्या देख लो कौन सा केक चाहिए। हेलो, हाँ कौन? चॉकलेट ट्रफल है, फिर फ्रेश फ्रूट है, प्रशांत जी पेरिस जो एक बार पेस्ट्री लेके आया था ना, प्रशांत जी पेरिस, हाँ वो है, और फिर नीचे ब्लैक फॉरेस्ट है, व्हाइट फॉरेस्ट भी है, ट्रफल भी है, है? ट्रफल थी। उनको पता है मैंने, मुझे स्निकर्स काफ़ी पसंद है और मैंने मम्मी पापा से भी स्निकर्स भी मंगाई थी, तो मैं ऐसी और भी चॉकलेट्स मम्मी पापा से मंगाई है, फ्रिज में रखी हुई है, और कुकीज़ भी हैं, और कल तो अपनी पसंद की ओरियो आइसक्रीम भी लेकर आई थी कशिश। हाँ, अभी भी रखी हुई है। अभी मैं आपको सब कुछ दिखा देती हूँ, आप मेरे कमरे में चलो। अच्छा, अपने कमरे में लेके जाओगे अपनी बर्थडे वाले दिन? हाँ, थोड़ा मैसी हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी तैयार हुई थी ना कशिश, तो थोड़ा सा पहले वो सोची थी मैं ये वाली ड्रेस पहनूं, ये भी उसने अभी तक नहीं पहनी है, नई ड्रेस है ये, जब हम लोग गोवा जा रहे थे तब उसने खरीदी थी, वहाँ पे भी यूज़ में नहीं आ पाई,
तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी पापा ने मुझे कौन से गिफ्ट्स दिए हैं इस साल मेरी बर्थडे पे। छोटा सा हॉल वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये ड्रेस मैंने अर्बेनिक से ऑर्डर की थी जो मैंने अभी पहन रखी है, काफ़ी क्यूट सी फ्लोरल कलर की है। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लाइक ये चोकर वाला जो पर्ल नेकलेस है वो भी ऑर्डर किया था। और अर्बेनिक से मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की थी, वही वाली शर्ट जो मे बी आप लोगों ने देखा हो कल के व्लॉग में। कल के व्लॉग से मुझे याद आया कशिश, आज जो मैंने व्लॉग डाला था उस ब्लॉग पर तुम्हें बहुत सारी बर्थडे विशेज आई हैं। ओह वाओ थैंक यू गाइस। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ मेरा मेरा टॉप जो मैंने देखा, मैंने अर्बेनिक से लिया था, जो मफिन खाने में बिजी है। मफिन मत खाओ दीदी के कपड़े मत खाओ। तो यहाँ पे वाला टॉप है, काफ़ी क्यूट सा पैटर्न है इसका, वाइट कलर की स्लीव है और यहाँ पे ब्लैक कलर की स्लीव है, मतलब बेसिकली मल्टी कलर टाइप टॉप है। फर्स्ट टाइम कशिश तुमने अर्बेनिक से शॉपिंग करी है ना? हाँ फर्स्ट टाइम मैंने की थी और मुझे उस हिसाब से सही लगा, काफ़ी सही, आपको डिज़ाइन और नए ट्रेंड्स के कपड़े मिल जाते हैं, तो अच्छी ब्रांड है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट चीज़ जो मैं डैडी के साथ जाके मॉल से लेके आई थी कल। और मफिन तुम्हारा ड्रेस लेके जाएगा, खुद पहनेगा। मफिन तुम्हारा बर्थडे नहीं है, तुम्हारा बर्थडे बाद में आता है। मफिन का बर्थडे पता है उस दिन बनाएंगे हम लोग, जिस दिन हम इसे अपने घर लेकर आए। हाँ तब बनाएंगे। तो ये मिस्टर डीआई पे ऐसे और भी सॉक्स मिल रहे थे, बहुत क्यूट क्यूट फ्रूट्स के और डिफरेंट डिजाइंस के। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी सॉक्स लिए हैं, काफ़ी क्यूट से हैं और मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइटर्स भी लिए थे मिस्टर डीआईवाई से। ये पूरी हाईलाइटर की एक वो है किट सॉर्ट ऑफ, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे से हाईलाइटर्स हैं। मैं आजकल नोट्स वगैरह लेती हूँ ना क्लासेस में कॉलेज की, तो मुझे हाईलाइटर्स की जरूरत पड़ती है और सारे मेरे हाईलाइटर्स फिनिश हो गए थे। तो इस वजह से कशिश तुम्हारा ब्लैंकेट लेके जा रहा है। पता है मैंने अभी क्या नोटिस किया, ये हाईलाइटर्स डबल साइडेड हैं, मतलब यहाँ से भी हैं और तो यहाँ से कलर भी, भी होंगे फिर। हाँ डबल कलर्ड है, तो यहाँ पे जैसे पिंक और येल्लो है, येल्लो तो सब में ही है और पिंक पिंक ऊपर और डिफरेंट कलर्स ऊपर वाले में। तो ये काफ़ी क्यूट से हाईलाइटर्स हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैं स्टेशनरी वगैरह ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ क्योंकि मैं आर्ट्स में लाइक मैं ज़्यादा आर्टिस्टिक टाइप्स काम नहीं करती, तो इस वजह से मुझे ऐसे सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये क्यूट लग रहे थे। बाकी मैं लाइफस्टाइल से गई थी तो मैं डैडी मुझसे कह रहे थे कुछ ना कुछ तो ले लो, तो मैं जैसी घुसी मुझे वहाँ पे, तुम कल लेकर आई थी ना? हाँ ये कल लेके आई थी। तो मैं जैसे ही वहाँ पे लाइफस्टाइल के स्टोर में घुसी मुझे ये वाला टॉप दिखा, स्वेटर टाइप्स है और ये काफ़ी क्यूट है, ये क्रॉप्ड है और यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक ये टाइट हो जाता है वेस्ट से, तो आप जब जीन्स के साथ पहनोगे तो काफ़ी क्यूट लगेगा। यहाँ पे इसकी मतलब बड़ी सी स्लीव्स भी हैं, बैगी स्लीव्स हैं और इसका ना इस कलर में वाइट भी मिला था, बट डैडी कहते हैं वाइट तो सबके पास होता ही है, इट्स अ कॉमन कलर, तो कुछ फंकी सा ट्राई करो। तो ये वाला वाइट तेरे पास है भी? हाँ वाइट मेरे पास है भी, इस डिज़ाइन में थोड़ा डिफरेंट है बट वो वाइट ही है एनीवेज। तो विंटर के हिसाब से कुछ ऐसे विंटर के कपड़े आपने नोटिस किए होंगे, सब सारे प्लेन कलर्स होते हैं, कुछ ब्राइट नहीं होते, तो ये ब्राइट कलर का स्वेटर मिल रहा था, नियॉन कलर का। हाँ नियॉन टाइप कलर्स का, बहुत प्यारा लगा मुझे ये, क्यूट सा है, तो ये भी मैं इस विंटर पहनूंगी और ट्राई करूंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ मम्मी ने मुझे क्या दिलाया। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये नाइट सूट जो मम्मी ने ऑर्डर किया था मेरे, ये तो मैंने बिल्कुल ही सरप्राइज में ऑर्डर किया था, इसे पता ही नहीं था। ये तो फिर भी इसने अपनी चॉइस से ली थी ड्रेस और वो टॉप, लेकिन ये मैंने इसके लिए सरप्राइज में एक दिन ऑर्डर कर दिया था। तो ये बहुत क्यूट सा डिज़ाइन है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आया था घर में, तो मैंने देखा और मैंने ट्राई भी किया था, बहुत क्यूट लग रहा था। तो यहाँ पे कार्ड्स का सॉर्ट ऑफ आज रात में पहनना ना आके। हाँ पहनूंगी आज रात में आके। यहाँ पे क्यूट सा कार्ड्स का बना हुआ है और नंबर्स भी लिखे हुए हैं, ऊपर वाइट कलर का, मतलब आई गेस ऑफ लाइक ऑफ क्रीमिश टाइप कलर है इसका, काफ़ी सुंदर लगता है पहनने के बाद। ये फुल स्लीव्स है एंड इट्स परफेक्ट क्योंकि विंटर आ रही है, लेकिन फिर मैंने देखा इसके शॉर्ट्स हैं तो अब मैं विंटर में कैसे पहनूंगी? तुम्हें नहीं पहन सकती हो, तुम्हें ब्लैंकेट के अंदर ही तो जाना होता है नाइट सूट में, रात में आप सोते हो तो कंफर्टेबल लगने के लिए, कंफर्टेबल अभी के टाइम के लिए सही है, तो अभी भी आप पहन सकते हो। ये काफी क्यूट है ये सेट, आपको मुझे काट रहा है नीचे से। तो ये जो सेट है आपको मिंत्रा पे मिल जाएगा, ये काफी क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेट। बाकी यहाँ से एक और चीज है अर्बेनिक की, ये नेकलेस जो मैंने मैं रखना भूल गई अपने क्लोजेट में और इस वाले नेकलेस के उसमें रख लिया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट टॉप, और ये जो है मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, उसे धुल चुका है, बट ये बहुत क्यूट टॉप है। अगर मेरे पास कोई फोटो होगी तो मैं मम्मी से बोल दूंगी, वो इंसर्ट कर देंगी। और ये काफ़ी क्यूट डिज़ाइन का टॉप है, अभी समझ नहीं आएगा बट आप फोटो में देख के ही पता लगा पाओगे, ये रैप टॉप है।
ये पीछे से रैप हो जाता है, बहुत क्यूट सा आप बो बना सकते हो, डिफरेंट स्टाइल्स बना सकते हो इस टॉप को लेके। तो ये भी बहुत क्यूट सा टॉप था जो मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये सारे के कपड़े। मुझे एक नाइट सूट मिला, एक स्वेटर मिला, एक ड्रेस मिली और एक दो टी शर्ट्स मिली और कलर्स और हाइलाइटर्स और सॉक्स सब कुछ मिले। तो काफ़ी अच्छे गिफ्ट मिले हैं। आगे क्या इरादा है, अभी पढ़ाई करोगी फिर से या कहीं चलें कुछ खाने? चल सकते हैं, थोड़ा सा तो टाइम निकाल ही सकती हो, आधा घंटा, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस सिर्फ आधा एक घंटे के लिए चलते हैं कहीं, डिनर तो करके आए तुम्हारी बर्थडे पे, वरना लगेगा ही नहीं तुम्हारी बर्थडे है। हाँ ये तो बात है। क्या बोल रही है आप? वाइब्स करो। वाइब्स करो, मुझे नहीं पता, लव साइन ख़राब हो गया है। अभी मैंने दिवाली के लिए बहुत सारी चीज़ें नई ऑर्डर करी हैं जो मेरे रूम में ख़राब हो चुकी हैं, तो वो सब भी आपको मिलेगा थोड़े दिनों में टूर, क्योंकि अब दिवाली आने ही वाली है। तो एटलीस्ट मेरी बर्थडे इतनी अच्छी नहीं गई, तो मैं चाहती हूँ दिवाली तो अच्छी जाए। अब मैं दिवाली पर सारे अपने वो निकालूंगी अरमान, क्योंकि वैसे भी छुट्टियाँ होंगी और पता है पता नहीं कितने दिन की होंगी, बट एक दो दिन की तो मिलती हैं, तो बस उतना ही मेरे लिए बहुत है। और बाकी वैसे भी एग्जाम जब खत्म हो जाएंगे तो मैं मज़े ही करूँगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। कौन आया? लगता है डैडी आ गए केक लेके। ओके आप आ गए। डैडी आए केक लाए और मफिन। देखो जब भी कोई बैल बजाता सबसे पहले आपका बर्थडे केक भी आ गया। हाँ एटलीस्ट बर्थडे केक और मैं स्वीट भी ले आया। ठीक है, वो भगवान जी को पहले भगवान जी को स्वीट चढ़ा दो, फिर उसके बाद केक काटते हैं जल्दी से, फिर चलते हैं जल्दी से। ये कौन सी स्वीट है? रबड़ी वाली रसमलाई है। रबड़ी वाली रसमलाई मैं आज तक नहीं ट्राई की। मैं तभी तो मुझे कुछ नई चीज दिखी हल्दीराम पे। नहीं है क्या हो गया मम्मी, तुम भी एक्साइटेड हो? तो ऐसा करो उसमें थोड़ा सा कटोरी में निकाल के भगवान जी के लिए हाथ धो, गज चल दीदी की बर्थडे है, भगवान जी को प्रे करेंगे। ये कौन सी भाई रसमलाई है? रबड़ी वाली। मैंने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना है। फर्स्ट मतलब जितनी भी वैसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे रबड़ी और मलाई में जो वैसी पसंद है, तो ना रोज रोज नए नए लोग इनोवेशन करके ना सबको एक साथ मिला के लाने की कोशिश करते हैं। कि ये देखो ये फ्लावर शेप में खुल जाता है पूरा। ओ चॉकलेट केक। तो मफिन ने भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, केक कटिंग सेरेमनी को। अभी स्टे वाले ऑर्डर पे है, जैसे स्टे ऑर्डर होता है ना, स्टे ऑर्डर पे है। Wow, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kashish. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. इधर मम्मा बेटी एक दूसरे को खिला रहे हैं, विशेस कर रहे हैं। ये मेरी प्यारी बच्ची के लिए। और ये हमारी प्यारी बच्ची, गाइस इसको खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए और इसको खूब ढेर सारे ये ब्लेसिंग्स में ये कहिए कि खूब सक्सेसफुल हो और सब लोगों की हेल्प करे। मैंने अपना हार्ट खा लिया। ओ तो मैंने थोड़े कंफर्टेबल शूज पहन लिए क्योंकि मुझे हील्स पहनने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने शूज वाइट शूज पहन लिए। और फिर मैंने ऐसे देखा ये जैकेट निकाल के, इसमें भी पता है फ्लावर प्रिंट है, तो इसके साथ क्यूट लग रही है। हालांकि इतनी ठंडी नहीं हुई है, ठंडा मौसम तो है लेकिन इतना नहीं है अभी। हाँ बट क्यूट लग रहा है, पता है शॉर्ट ड्रेस के साथ अच्छा लग रहा है। ऐसे ही निकाल के बस तुमने पहन के देखा तो मुझे बड़ा प्यारा लगा ये। हाँ ओवरऑल आउटफिट ना बड़ा डिफरेंट सा अच्छा सा लग रहा है लेकिन। और मैंने इसे छोटी सी पोल भी बना दी है, ये क्यूट लग रहा है। पहनूं? क्यूट आउटफिट है वैसे, बहुत क्यूट है। तो हम लोग निकल लिए हैं डिनर करने के लिए प्रशांत के कहने पर। प्रशांत बहुत देर से बोल रहे थे चलो चलो चलो, तो कशिश भी तैयार हो गई। और कशिश तो वैसे रेडी थी केक कटिंग के लिए। अभी अच्छा नहीं लगता ना कि पूरे एक साल बाद में एक बार बर्थडे आती है कशिश का बर्थडे का। तो कशिश का बर्थडे तो हम लोग हर बार करते ही हैं,
तो इस बार मन नहीं माना। फाइनली शाम को ऐसे जाने का मूड नहीं था, प्लान भी नहीं था, लेकिन एकदम से बन गया कि चलो चलते हैं। तो कशिश बैठी आज डैडी के बराबर में और उसको मजा आ रहा है। हाँ, डैडी के बराबर में बैठने में। आज बर्थडे गर्ल है तो मैंने भी बैठने दिया। मैं चला लेती हूँ गाड़ियाँ, आप बैठो साइड में। हाँ तो तू चला तो सकती है, क्यों नहीं चला, छोटी वाली तो चलाती है। तो इन लोगों का था मन कबाब खाने का, तो हम लोग पहुंच गए थे रेडिसन जो कि नोएडा में है। और भाई आज तो बर्थडे गर्ल की बर्थडे। ओह नहीं, आज तो ये तो हो गया। यहाँ पे फोटो सेशन। टू ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ माय लाइफ डूइंग देयर फोटो शूट्स। तो गाइस मैं आज इसको सरप्राइज तो नहीं है, इसे पूछ ही नहीं है। रेडिसन में कबाब फैक्ट्री है, सेक्टर 55 नोएडा में, तो वहाँ पे लेके आए। बुफे सिस्टम है क्या यहाँ पर? नो, बुफे सिस्टम इज डिफरेंट। यहाँ पर ऑप्शंस काइंड ऑफ देते हैं वेज एंड नॉन वेज में, एंड देन यू नो उस हिसाब से दे विल सर्व। How's the taste? अच्छा है ना, मतलब जो स्पाइसेस हैं वो सारी चीज़ें बड़े अच्छा नाइसली ब्लेंड है ना, ब्लेंडेड है। So how was the food on a scale of 5? 4. Okay. कशिश कैसा लगा तुम्हें डिनर? काफी अच्छा था, मतलब खाना तो नॉर्मल लाइक बैलेंस्ड अच्छा फूड था। आई मीन खाना इतना वाओ फैक्टर वाला था ना, वाओ क्या खाना बनाया वो नहीं था, ऐसा ऐसा लगा नहीं। बहुत सिंपल खाना, अच्छा खाना था, अच्छा खाना था, ऐसा खाना खा चुके हां, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। हां आई मीन स्पाइसी नहीं था और ठीक है, सब कुछ बैलेंस्ड था, वेल बैलेंस्ड था, अच्छा था। एंड सारे लोगों को आप फाइव करवा देते हो, सवाल आते हो, मैं क्यों दूं फाइव, मैं तो फोर ही दूंगी।